हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम्पी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे मिंट राइस या पुदीना राइस। आप इसे लेफ्ट ओवर राइस के साथ बना सकते हो या फिर फ्रेश राइस के साथ भी इसे बना सकते हो। 10-15 मिनट में बनने वाला क्विक इजी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। पुदीना राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार में 5 हरी मिर्ची को तोड़कर ऐड किया है, आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। इसमें हम 1 इंच अदरक ऐड करेंगे। अब इसमें क्लीन किया हुआ आधा कप पुदीना ऐड करेंगे और 1/4 कप धनिया और इसे अच्छे से पेस्ट करेंगे। पेस्ट बनाने के लिए आप चाहे तो थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हो। और पुदीना पेस्ट को बहुत देर पहले बनाकर मत रखिएगा, ये काला पड़ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पुदीना का पेस्ट रेडी है और इस साइड में रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखा है। इसमें हम 3 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा इसमें हम 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। ये दो जब चटक जाएंगे इसमें हम 1 टेबलस्पून उड़द दाल, 1 टेबलस्पून चना दाल डालेंगे और उसी के साथ ही हम इसमें 2 लाल मिर्ची को तोड़कर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने बिना सीड के यूज किया है। और इसमें हम 10 से 12 करी पत्ता डालेंगे और इन्हें अच्छे से गोल्डन होने तक रोस्ट करेंगे। जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाएंगे इसमें हम तोड़ के रखा हुआ 10 से 12 काजू ऐड करेंगे और काजू को भी अच्छे से गोल्डन होने तक रोस्ट करेंगे। जब ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे इसमें हम ग्राइंड करके रखा हुआ पुदीना और धनिया का पेस्ट ऐड करेंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे ताकि इसका छींटे बाहर ना आए। अब इस पेस्ट को इसका कच्चापन जाने तक अच्छे से भूनेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें हमने नमक नहीं डाला है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी ऐडने से इसका कलर उभर कर आता है और इन दोनों इंग्रेडिएंट को भी इसमें अच्छे से मिलाएंगे और इसे थोड़े देर के लिए पकने रखेंगे। जब ये पक जाएगा इसमें हम उबाल के रखा हुआ चावल ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने फ्रेश राइस यूज किया है, आप चाहे तो इसे लेफ्ट ओवर राइस के साथ भी बना सकते हो या फिर यहाँ पे आप बासमती राइस को भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और थोड़े देर के लिए इसे स्टीम होने देंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा इसे हम कोई भी रायता या चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।